दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बाइनरी डिजिट को कैसे घटाते हैं, यानी बाइनरी डिजिट का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो यहां पर मैंने एक टेबल बना रखी है जिसको आपको पहले समझना है। टेबल के अकॉर्डिंग ही हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी बिट वन बिट टू, मुझे 2 बिट लेनी पड़ती हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पर बिट वन में मैंने 0 लिया है और बिट टू में भी 0 लिया है और सब्ट्रैक्शन किया है 0 माइनस 0। अगर हम 0 में से 0 को माइनस करते हैं तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा? 0। अगर हम 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा और बोरो, कोई बोरो इसमें नहीं होगा, यानी नो बोरो। वन बिट टू, अगर बिट वन में मैंने 1 लिया है और उसे सब्ट्रैक्ट किया है उसमें से 0 को, अगर 1 में से मैं माइनस करूँगा 0 को तो मुझे रिजल्ट में मिलेगा 1। बोरो नो, कोई बोरो मैंने इसमें नहीं लिया है। फिर थर्ड नंबर पे 1 में से अगर मैं माइनस करूँगा 1 को तो मुझे आंसर में मिलेगा 0। बोरो मैंने लिया नहीं, नो बोरो। फिर 0 माइनस 1, अगर मैं 0 में से -1 को घटाऊंगा यानी माइनस करूंगा 1 को तो मुझे यहाँ पर बोरो लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बोरो नहीं लेंगे तो हम इसे माइनस नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं 1 बोरो लेता हूँ तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 1 और 1 + 10 होता है बाइनरी में। अगर हम 1 और 1 को लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 10 का मैंने बताया था कि 0 लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं 0 नहीं लिखूँगा। अगर मैं यहाँ पर बोरो लेता हूँ और इस 10 में से 1 को माइनस करता हूँ, यानी बोरो लिया मैंने तो यहाँ पर हो गया 10, और 10 एक्चुअल में क्या होता है? 1 + 1 होता है, 1 + 1। तो 1 + 1, ये 10 में क्या शामिल है? 1 और 1, तो 1 1 तो ये माइनस हो जाएगा तो बचेगा तो केवल 1। तो यहाँ 0 में से अगर मैं माइनस करूँगा 1 को तो आएगा 1, बोरो 1। यहाँ पर मैंने 1 बोरो लिया है। तो इस टेबल को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये टेबल समझ जाएंगे तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए 4 क्वेश्चन रखे हैं जिनको मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट है 1 0 1 1 0, तो यहाँ इसमें से इसको माइनस करना है 1 0 1 0 को। 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0, कोई बोरो लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 में से 1 को माइनस करेंगे 1 में से 1 को तो 0, फिर 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1, 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1, क्योंकि हम यहाँ से बोरो लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 में क्या शामिल होता है? 1 और 1। तो 1 तो एक यहाँ निकल जाएगा, यहाँ पर 1 1 2 हैं तो एक निकल जाएगा, तो एक बचेगा। अगर एक निकल गया तो एक बचा, इस तरह से। तो 0 में से 1 को माइनस करने पर 1 बचता है, और इधर ये 0 हो गया क्योंकि ये बोरो में चला गया, तो यहाँ 0, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको माइनस कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 है 1 1 0 1 1 में से 1 0 1 0 1 को माइनस करना है। 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 0, और 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1, 0 में से 1 को माइनस करेंगे, यहाँ से बोरो लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ 0 हो गया, 0 में से 0 को माइनस किया तो 0, और यहाँ 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 0, ये इसका आंसर हो गया है, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया है। क्वेश्चन 3 है 1 0 0 1 0 1 में से 0 1 1 0 1 0 को माइनस करना है, तो 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 ही रहेगा, 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 रहेगा, क्योंकि यहाँ से बोरो लेंगे 10, 10 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ 0 हो गया, बोरो ले लिया था मैंने 0 में से 0 तो 0, और यहाँ 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा क्योंकि बोरो लेंगे 10 हो जाएगा। यहाँ पर बचा है, अब मैंने यहाँ से बोरो ले लिया था तो यहाँ 2 था तो 1 बचा था, तो यहाँ से अगर मैं, यहाँ से 1 बचा है। अब यहीं पर समझने वाली बात है, मैंने यहाँ से बोरो लिया तो यहाँ कितना हुआ? 10, 10 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? 1 + 1,
अब एक मैंने यहाँ से फिर इसको दे दिया तो यहाँ कितना हो गया, टेन टेन हो गया, यानी टेन का मतलब क्या हुआ, वन प्लस वन। और यहाँ से एक यहाँ चला गया तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ वन। अब यहाँ पर तो वन ही बचा है, यहाँ पर कितना हो गया, वन प्लस वन। अब वन में से वन माइनस हो जाएगा तो वन बचेगा, यहाँ वन में से वन गया तो ज़ीरो, यहाँ से मैंने इसको बोरो दिया था तो यहाँ ज़ीरो ज़ीरो, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फोर, जीरो में से जीरो माइनस करेंगे ज़ीरो, वन में से वन माइनस करेंगे ज़ीरो, ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस करेंगे ज़ीरो, वन में से वन माइनस करेंगे फिर ज़ीरो, वन में से ज़ीरो को माइनस करेंगे वन, और ज़ीरो में से वन को माइनस करेंगे वन, यानी यहाँ से बोरो लेंगे तो वन प्लस वन यानी टेन हो जाएगा, टेन को वन प्लस वन मानते हैं तो यहाँ बचेगा वन और यहाँ बचा ज़ीरो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम बाइनरी डिजिट या बाइनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।